तो कितना खूबसूरत लग रहा है सितारों से सजा ये मंच. वेलकम वेलकम एवरीबॉडी, कंग्रेचुलेशंस. आपका नया शो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है. कैसे कर रहे हैं आप इस माहौल में शूट, इस वक्त आउटडोर पे हैं, हाउ इज दैट गोइंग? अच्छी बात है कि हम लोग शूट कर रहे हैं, इतने मुश्किल समय में शूट कर रहे हैं. जब ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, हम सब महाराष्ट्र से बाहर जाकर आगरा में शूट कर रहे हैं, पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए. शॉट जब तक नहीं शुरू होता तब तक हम अपने मास्क लगाए रहते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं अपने हाथ और अपने वैनिटीज, अपने सब चीज़ों को. और डिस्टेंसिंग ऐसे तो रहता ही है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें. बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आरव और राधिका सिमर, तो आप लोग बताएं, आप लोगों के थोड़ी एक्सपीरियंसेस बताइए. जी थैंक यू पूजा वेरी मच. एंड हमने भी प्रोमो ये पहली बार देखा आप लोगों के साथ, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस, एंड आई होप कि लोगों को भी बहुत पसंद आए. और आई थिंक हम ऑफकोर्स बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, जो समय आज तक हमने कभी देखा नहीं है और ना ही कभी टचवुड देखने को मिलेगा. बट इस समय में ये भी ज़रूरी है कि हम जो दर्शक घर बैठे हैं उनके लिए भी एक कहानी लाते रहें. तो ये एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, एज अ क्रिएटिव ग्रुप, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको एक अच्छी अच्छी कहानी रोज शाम को 6:30 बजे आकर दिखाते रहें और उनका वो मनोरंजन करें. वो पावर टू यू, स्टे सेफ और ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरह शूट कर करके हमें इंटरेस्टिंग कहानी दिखाते रहिए. चलिए अब कुछ सवाल हो जाएं, और पहला सवाल आ रहा है फिल्मी विंडो से. नित्यांशी ये पूछ रही है जयती जी के लिए, हमारी गीतांजलि देवी को, कि एक करियर या गोल ओरिएंटेड वुमन, एक ऐसी औरत क्यों आपको लगता है कि अपना घर नहीं संभाल सकती, सेकेंड सीजन में भी ये सोच क्यों? अब मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत सारी लड़कियां देखी अपने आरव और विवान के लिए. वो संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती है कि अपनी अपना घर बनाए, अपनी एक छोटी सी दुनिया बचाए. तो ये मैं कहना चाहूंगी कि इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे दिल में, जो हमने इतना सुंदर एम्पायर बनाया है, इतना प्यारा खानदान सजाया है और सबको साथ रखा है इतने सालों तक, ऐसी कोई लड़की आए जो आकर अपने सपने पूरे करने के चक्कर में हमारे परिवार के सपने या हमारे परिवार का विभाजन करते. इसीलिए हमें ऐसी लड़की की तलाश है जो जो परिवार को साथ रखे, प्यार बांटे. सिमर की तरह जिस तरह से उसने परिवार को साथ रखा है, वैसे ही हर मुसीबत का सामना करते हुए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले परिवार को चलाने में. क्या बात है नित्यांशी, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. हमारा अगला सवाल हमारी छोटी सिमर राधिका के लिए है. ये रिचा पूछ रही है सिने स्पीक से, शी आस्क्स यू, आपको कैसा लगता है सीजन 2 का एक हिस्सा बन गया? आपको पता है कि सीजन 1 वाज अ फिनोमिनल सुपर डुपर सक्सेस. क्या आप में कुछ एप्रिहेंशंस हैं, क्या आप कहीं भी नर्वस हैं कि आप बड़ी सिमर से कंपेयर की जाएंगी? हाय पूजा, सो या मैं भी एक्चुअली ससुराल सिमर का सीजन 1 स्टार्टिंग से देखती थी. सो आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ द शो, एंड या थोड़ा बहुत नर्वसनेस था मुझे इनिशियली कि हाँ कंपेरिजन हो सकता है. बट जब मैं इन लोगों से मिली, मैं जयती मैम से मिली, दीपिका मैम से मिली, आरव से मिली, सो इन लोगों ने इतना अच्छा कंफर्टेबल एटमोसफियर क्रिएट किया मेरे लिए. और अब मैं काफ़ी हद तक ढल चुकी हूँ अपने कैरेक्टर में, तो आई एम एंजॉइंग. दैट्स लवली, क्योंकि आपकी छोटी कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सिमर बनके, छोटी सिमर बनके, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग आप कैसे इस रोल को निभाने वाली हैं. लगता तो है प्रोमोस ने कि बहुत ही बखूबी निभाया आपने. और नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अविनाश, जो पूछ रहे हैं दैनिक भास्कर से किरण जैन, What prompted you to take up the show? आपको क्या ऐसा लगा सीजन में कि आपने एक्सेप्ट किया ये रोल? सीजन 1 तो बहुत ही बड़ा हिट था, और आप कितने एक्साइटेड या कितने नर्वस हैं इस सीजन के बारे में? Okay, hi Kiran. First of all, जैसे कि हम सब जानते हैं ससुराल सिमर का is a super duper hit, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिनको हमने बोला है कि जिसको मैंने बोला है कि ससुराल सिमर का is a show और उसका सीजन 2 आ रहा है.
सो सभी जानते हैं, सभी प्यार करते हैं और दिस रोल पर्टिकुलरली आई वॉन्टेड टू डू समथिंग यू नो विच इज क्लोज टू द हार्ट ऑफ ऑल द पीपल. जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में इंडियन टेलीविजन जो है वो बहुत बड़ा हो गया है. इंडिया में सीमित नहीं है, बाहर के विदेश कंट्रीज में भी बहुत इसकी प्रशंसा होती है, बहुत अप्रिशिएशन होता है, बहुत लोग प्यार करते हैं इसको. सो ससुराल सिमर का एक ऐसा भी एक फ्रेंचाइजी है. सो और ये पार्ट टू है. सो हम सब रोज ये कोशिश कर रहे हैं, दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये पार्ट टू है तो हम डबल प्यार दें, डबल एंटरटेनमेंट दें, डबल मसाला दें, डबल ड्रामा दें और सब कुछ डबल हो. I like that franchisee take which you took on it. That makes it very, very interesting. बिल्कुल सही कहा. और ये जो promise आप दिखा रहे हैं और जिसके बारे में कह रहे हैं वो definitely screen पर दिख रहा है. अगला सवाल जयती जी आपके लिए है. Indian Express से सना पूछ रही हैं कि आप अपनी life में, real life में अगर आपकी बहू है या होने वाली है तो आप उनमें क्या qualities ढूंढते हैं. And there is a second question as well कि season 1 की सबसे प्यारी memories, यादगार क्या रही हैं. मैं पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी. के लिए बहू चुनने जाऊं तो कुछ हद तक मैं दीपिका और राधिका जैसी लड़की ढूंढना चाहूंगी. आप सबको ये बताना चाहूंगी, आप सभी जानते हैं, आपने दीपिका के लाइव ब्लॉग्स देखे हैं, जो मेरी सिमर हैं उनके आपने ब्लॉग्स देखे हैं कि वो पूरे परिवार को, अपने ससुराल के सब पर पूरे परिवार को साथ में रखकर आगे बढ़ती हैं. शी इज वेरी हैप्पी विद इन हर फैमिली. और उसी तरह से राधिका से जब मेरी अभी बात हुई है, नई नई मुलाकात हुई है, थोड़ी बहुत बात हुई है, तो मुझे ये समझ में आया कि वो एक नया घर बना रही हैं. और सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ आकर रहे हैं. आप सोचिए कि ये आई होप राधिका को ये बात मैंने सबको कही है, उसे ये नहीं लगा कि मैंने एक पर्सनल बात कह दी, क्योंकि मुझे इस बात से बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ, ये जो गीतांजलि देवी ओसवाल है वो इस तरह की लड़की चाहती हैं कि वो, ये दोनों लड़कियों ने ये प्रूव किया है आज की डेट में कि अपने सपने के साथ साथ आप घर भी बना सकते हो. हर कोई न्यूक्लियर फैमिली में खुश नहीं रह सकता, संयुक्त परिवार में भी खुश रहना इन लड़कियों को आता है. ये आज की 2021 की सही मायनों में एम्पावर्ड गर्ल्स हैं. आप समझ सकते हैं कि अगर हम, मैं कहूँ तो यही हमारी, यही परंपरा मैं अपने बच्चों में भी देखना चाहूंगी. दूसरा ये कि ससुराल सिमर का की मेमोरीज, ससुराल सिमर का एक एक दिन, एक एक मोमेंट मेरे लिए यादगार है. मैं हर भारद्वाज परिवार के मेरे हर बच्चे को मैं मिस करती हूँ. ऐसा नहीं कि मैं उस वाल परिवार के बच्चों को प्यार नहीं कर रही, बिल्कुल प्यार कर रही हूँ, उन्हें अपना रही हूँ, लेकिन वो तो मेरी रग रग में बस चुके हैं. मैं सबको मिस करती हूँ और यादगार बताने बैठूंगी तो 7 साल बीत जाएंगे फिर से. कमाल है, उन 7 सालों में आपके साथ बिताया हुआ हर पल आई एम श्योर सबके लिए उतना ही मेमोरेबल हुआ होगा. एंड हियर्स टू मेकिंग सो मेनी मोर ब्यूटीफुल मेमोरीज इन दिस न्यू सीजन. हमारा अगला सवाल एक बार फिर से राधिका के लिए है. ये जूम से चेतना पूछ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. गौर से Are we going to experience supernatural powers in season 2 also, Radhika? Sasural Simar ka basically saas bahu aur matlab ek bahu apne sasural mein jaake kaise handle karti hai situations us pe hai. To supernatural powers wo ek entertainment question tha first season mein, hota hai to bhi no problem. बट आई डोंट थिंक इट्स बेसिकली, मतलब ये पूरा फोकस इस शो का इस पे है कि एक बहू एक नए घर में जाके कैसे ढलती है, अपने सपनों को कैसे समझाएगी अपने ससुराल वालों को कि हाँ मुझे ये करना है, कन्विंसिंग वे में उस पे. Lovely, that's going to make a very interesting watch. हमारा अगला सवाल अविनाश के लिए है from India Forums Ashima. ससुराल सिमर का has always received a mixed response from the fans. क्या आपको लगता है कि इस नए सीजन पे जिम्मेदारी है उसको बदलने की? नहीं, I think any response is a good response.
And even if it's mixed response, people still talk about it. So yeah. As long as people are talking about it, as long as people are, you know, knowing it, मतलब जहाँ चर्चा होता है वहाँ खर्चा होता है. Yeah. So I think whatever people like, it's our responsibility to serve that. And but yes, हम लोग कोशिश ये करेंगे, सबसे ज्यादा कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम दिल से जुड़ना चाहते हैं. भले ही एंटरटेनमेंट वो क्वेश्चन हो, कुछ भी चीजें करनी हो, बट सेंटर जो कोर है हमारी कहानी की वो ये है कि जो ऑडियंस देख रही है उनके दिल से हमें जुड़ना है. अब मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारा एक कॉमन फैक्टर है ससुराल सिमर का 1 और 2 में, वो है बालिका वधु. पहले हमारे साथ छोटी रोली, जो मेरी रोली थी वो आनंदी, छोटी आनंदी थी, अब मेरे साथ छोटा जगिया है. I'm sure, yes, काफी लोगों ने वो realize किया होगा. मैं भी सोच ही रही थी, क्योंकि we of course have you know remember that, but I'm so glad that you spoke about the elephant in the room और आपने कह दिया yes. So that is a beautiful connection और वो consistent. Yes. और जैसा आपने कहा अविनाश, जहाँ चर्चा है वहाँ खर्चा, I think that was so beautifully put. And there is कोई इस बात बदल नहीं सकता that there is always a wonderful buzz around ससुराल सिमर का, and we can already yes. see that with excitement of receiving season 2. Okay, ये as of now ये last सवाल है राधिका के लिए है. toi.com timesofindia.com से विजया, how has it been shooting in the middle of this मुश्किल दौर, ये जिस pandemic से गुजर रहे हैं, and आप क्या कहना चाहेंगे इस शो में जो सारे आपके co-stars हैं उनके बारे में? तो जैसे जयती मैम ने बताया, हम सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए कर रहे हैं. जितने कम लोग सेट पे हो सकते हैं उतने ही रहते हैं, पूरा टाइम मास्क ऑन रहता है, रोल करने से पहले हम मास्क हटाते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं. एंड या तो जयती मैम के बारे में मैं यही बोलूँगी कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हर. अभी तक मैंने उनके साथ मतलब और सीन प्रॉपर नहीं कर पाई हूँ, बट या मैं मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखूँ. एंड आरव के साथ वो है जग, मतलब बालिका वधू में जो लाडे सर था वो वैसा ही है. एंड या ही इज फन टू वर्क विद. कुछ उसको लगता है कि नहीं ये यहाँ ठीक नहीं जा रहा, तो वो समझा भी देता है, बता भी देता है. सो आई एम एंजॉइंग इट. आई वुड मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे मेरा विवान भी है करण, और रीमा भी है तानिया. वो लोग भी बहुत बहुत मजेदार हैं. मैंने इनके साथ, इन चारों बच्चों के साथ, मैंने पहले भी कहा कि मैं इतना भारद्वाज परिवार में घुली मिली, इतना मेरे दिमाग में रहता है, पर ये बच्चे पूरी कोशिश में हैं कि सब निकाल के बस ओसवाल परिवार ही मेरे घुली में और दिमाग में फंस जाए. आप फिर से आगरा आएंगे आप भूल जाएंगे सब, सिर्फ ओसवाल याद रहेगा आपको. That I have been fortunate enough to work with all of the three pretty young wonderful women in right here, और सभी बहुत मेहनती हैं अपने काम के प्रति, and the zest and the passion for working. Of course Jyoti ji, we have been seeing her, we have been watching her since last so many years. And I really feel fortunate, and I think I speak for all, that we have got an opportunity कि हम जयती जी के साथ काम कर पाएं, और वो हमारे साथ ससुराल सिमर का 2 में पूरे शो में है, कि हम जहां भी अगर तकमगाएं या जहां भी हमारे रास्ते आड़े टेढ़े हों वो सीधा कर दें और हमें गाइडेंस देते रहें. Bless you. That was indeed a wonderful question and answer session. Thank you so much everyone for talking to us, for answering us so patiently. अब जब पूरा का पूरा परिवार यहाँ पे है तो थोड़ा सा lights, camera, action हो जाए. हाँ, अरे family photo तो बनता ही है ना. Let's have the photo op, please. Quick click, कोई ऐसे कुछ बोलेगा? How do we know to change the pose?
shall we do it like from our own?